प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव जब अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, किसी राशि में जाते हैं, तो इसका देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और चार मौके ऐसे होते हैं जब सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक, जब सूर्य मकर में जाते हैं, मेष में जाते हैं, कर्क में जाते हैं और तुला में जाते हैं। तो सूर्य फिलहाल प्रवेश कर चुके हैं मेष राशि में और सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव आपके जीवन पर और देश दुनिया पर पड़ेगा, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सूर्य का राशि परिवर्तन अगर आपके लिए शुभ नहीं है तो कौन से उपाय किए जाएं जिससे सूर्य के राशि परिवर्तन का दुष्प्रभाव, निगेटिव इंपैक्ट आपके जीवन पर ना पड़े। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या है और सूर्य के इस राशि परिवर्तन का महत्व क्या है। अगर हम सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन की बात करें और इसका महत्व समझना चाहें तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सूर्य पूरी दुनिया की आत्मा है, समस्त जगत की आत्मा है और स्वास्थ्य का कारण है। सौर मंडल में हमारे या हमारी पृथ्वी के ऊपर सूर्य का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है और सूर्य ही हमें जीवन जीने लायक व्यवस्थाएं देता है। इसीलिए सूर्य को ज्योतिष में प्राण कहा गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सूर्य का छोटा से छोटा परिवर्तन भी हमारे जीवन पर गहरा असर जरूर डालता है। सूर्य का राशि परिवर्तन हर राशि पर प्रभाव डालता है, अगले एक महीने तक अलग अलग राशियों को प्रभावित करता है। और अगर हम देश दुनिया की बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन जो मेष में हुआ है, ये देश दुनिया पर अगले 3 महीने तक असर डालेगा, यानी लगभग मध्य जुलाई तक, 14 अप्रैल से लेकर के 13 जुलाई तक सूर्य पूरी देश दुनिया पर असर डालेंगे। इस बार सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में जा चुके हैं, मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मेष राशि सूर्य की सबसे ज्यादा मजबूत राशि मानी जाती है। इसीलिए सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश किए तो ये अपनी सबसे मजबूत स्थिति में आ गए। अब मेष राशि में पहले से राहु और बुध विद्यमान थे तो सूर्य के प्रवेश से ये हुआ कि सूर्य, राहु और बुध ये तीनों एक साथ हो गए और उनके ऊपर शनि की दृष्टि भी बन गई, क्योंकि शनि देव कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो अब क्या हुआ, सूर्य, राहु, बुध और शनि ये चारों एक साथ एक्टिव हो गए मेष राशि के माध्यम से, ये चारों एक्टिव हो गए पूरी दुनिया के ऊपर। सूर्य देव 14 अप्रैल को मेष में प्रवेश कर चुके हैं, अब 15 मई तक वो मेष राशि में विद्यमान रहेंगे। इस राशि परिवर्तन की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य जब तक मीन राशि में थे, यानी लगभग 14 अप्रैल तक, तब तक हम शुभ कार्य और मंगल कार्य नहीं कर रहे थे। अब चूंकि सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो चुका है तो अब आप शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं, अब तमाम शुभ और मंगल कार्य किए जा सकेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन के 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि अगले 3 महीने में देश दुनिया में क्या होगा, एक तो ये बात हम समझ सकते हैं।
इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और दूसरे नंबर पे शुभ और मंगल कार्य जो बंद हो गए थे, वो शुभ और मंगल कार्य अब शुरू हो चुके हैं और अब लंबे समय तक, लगभग मध्य जुलाई तक ये शुभ और मंगल कार्य अब किए जा सकेंगे। जैसा आपको पहले बताया कि सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है, ये अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक प्रभाव डालेगा, यानी सारी राशियां लगभग 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक प्रभावित रहेंगी। लेकिन देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव हम समझ सकते हैं अगले 3 महीनों के लिए, कि अगले 3 महीने तक देश और दुनिया की स्थिति कैसी रहेगी। आइए वो समझते हैं। देखिए, सूर्य जो होते हैं वो सत्ता के और राजनीति के स्वामी माने जाते हैं। सूर्य का मतलब है सत्ता, सूर्य का मतलब है राजनीति, सूर्य का मतलब है शासन। अब चूंकि सूर्य राहु और शनि का संबंध बन गया है, इसीलिए देश दुनिया में बड़े राजनैतिक परिवर्तन अगले 3 महीने में होंगे। लोगों की सत्ता जाएगी, कुर्सी छिनेगी, मिलेगी, ये स्थिति बनी रहेगी। धार्मिक विवाद और उपद्रव बढ़ सकते हैं। राहु का संबंध बुध और सूर्य के साथ होने की वजह से बेवजह की काल्पनिक समस्याएं, बेवजह के विवाद, बेवजह की अफवाहें, बेवजह के झंझट बढ़ सकते हैं अगले 3 महीने में। देश में, दुनिया में धार्मिक विवाद और उपद्रव बढ़ने की संभावना बनती है। राहु जो हैं, उसके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु और केतु इन्फेक्शन पैदा करते हैं। और अभी सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ साथ आप आगे देखेंगे कि 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी लगेगा, तो इस प्रभाव की वजह से हम कह सकते हैं कि अगले 3 महीनों में दोबारा से बीमारियों के आने की स्थिति बन सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा भयंकर नहीं होगा, लेकिन दोबारा से आपको सावधानियों का पालन करना पड़ेगा, बीमारियों से बचना होगा और बीमारियों पर ध्यान देना होगा। कोविड वायरस दोबारा से एक्टिव हो सकता है, ये संभावना जरूर बनती है। इससे भी ज्यादा जो चिंता की बात है वो ये है कि दुनिया भर में मंदी की स्थिति बढ़ेगी। दुनिया भर में जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो आर्थिक स्थिति है, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे और मंदी की स्थिति निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी। बहुत सारे लोगों के रोजगार में समस्या आएगी, खास तौर से जिनकी कुंडलियों में सूर्य की पोजीशन ठीक नहीं है। अगर वो देखेंगे तो उनके जीवन में 2 चीजों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, एक उनके रोजगार पर और दूसरे नंबर पे उनके स्वास्थ्य पर। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन दुनिया भर में मंदी पैदा करेगा, दुनिया भर में इकोनॉमिक कंडीशंस पे असर पड़ेगा। और सामान्यतः जिनके लिए जीवन में सूर्य अच्छा नहीं है कुंडली में, उनके लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ेंगी, थोड़ी दिक्कतें इस समय में आ सकती हैं। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन जो हुआ है, अगर मोटे तौर पे हम देखें तो अगले 3 महीने तक देश दुनिया के लिए बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दिखा रहा है। और सूर्य शनि राहु का संबंध एक तो इसमें बन गया है और पीछे पीछे सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, तो सबको मिला करके अगर देखें तो अगले 3 महीने देश दुनिया के लिए बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।